हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के ऊपर। उन्होंने एग्ज़ाम नोटिस डाला है और बहुत ही बड़ा फेरबदल किया रेलवे ग्रुप डी ने। जो एग्ज़ाम का पैटर्न, जो स्कीम था, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल किया है। और अभी बात करें, देख के क्या नोटिस जारी किया है, पूरी जानकारी लिए अंत तक बने रहिए। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नोटिस नंबर 3, ये वन लेवल वन पोस्ट 1-7 सीपीसी मैट्रिक्स के लिए डेट ऑफ इश्यू आज के दिनांक में यह जारी किया गया है। बात करते हैं विथ रेफरेंस द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर RR 1-2019 पब्लिश ऑन 23-2019 ओपनिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इन लोगों ने 23 फरवरी 2019 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए थे 12-3-2019 तक। इसमें नोटिस बात करें तो एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर द सिफ्टी पीपल वीक्स ने ऑन द 15 मार्च 2019-27 मार्च 2019 ऑन 8 दिसंबर 2021 को इन्होंने एक नोटिस जारी किया था एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड, जिसको लिखा हुआ था 23 फरवरी से जारी होगी एग्ज़ाम डेट। अभी इन्होंने आगे क्या कहा है, एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा फेरबदल किया है। पहले एग्ज़ाम एक ही CBT 1 था, फिर सीधा फिजिकल और मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह होगा थे। इस बार CBT 2 भी होगा, दो एग्ज़ाम। क्या लिखा है, क्या रीज़न दिया इन्होंने, इन द व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट दिस 2-स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT। बहुत सारे एप्लीकेशन इन लोगों की तरफ से बोला गया है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आने के बाद रेलवे ने डिसाइड किया कि 2 CBT 2 के आधार पर एग्ज़ाम होगा, जो Para 3 में दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनेशन प्रोसेस Para 3, Para 1.9 जनरल इंस्ट्रक्शन, Para 4 and 5 एंड Para 14 रिक्वायरमेंट प्रोसेस टू दे 2-स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT एज ए अंडर। फर्स्ट स्टेज CBT स्टार्टिंग ऑन 23 फरवरी। फर्स्ट स्टेज का CBT है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। विल बी एज पर Para 14.1 ऑफ दर RRCCN 1029 मल्टीपल फेजेज सब्जेक्ट टू द प्रीलिमिनरी कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम व्यू ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक। इन्होंने COVID-19 पेंडेमिक गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन उसके पालन करते हुए मल्टीपल फेजेज में एग्जाम कराया जाएगा। तो एक फेज में नहीं होगा, 5-6-7 फेज में होगा, जैसे NTPC का हुआ था। सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ CBT 1 विल बी रिमेन एज एस मेंटेन अंडर Para 14.1 रिक्वायरमेंट प्रोसेस। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें CBT 1 का जो भी दे रखा था, जो 100 नंबर का पैटर्न, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, वही रहेगा। और CBT 2 के लिए उन लोगों ने अलग अलग दे रखा है। CBT 2 के लिए बात करें तो सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, CBT 1 सेम है CBT 1 का। क्वेश्चन वही टाइम 90 मिनट का रहेगा जनरल, जिसमें टाइम 90 मिनट का, क्वेश्चन 120 जो NTPC CBT 2 में है वही इसमें लोगों ने कर दिया। इसमें साइंस के 30, मैथ के 30, रीजनिंग के 35, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 15 टाइम्स, CBT 2 के लिए 15 गुना पास किया जाएगा नोटिफाइड वैकेंसी के अनुसार। आगे बात करें इन लोगों ने क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन का लोगों ने फॉर्मूला दे रखा है। मल्टी सेशन पेपर्स, बहुत सारे सेशन में होने का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे रखा है, जो ये पहले ही कर देना चाहते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप NTPC CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन पर आवाज़ उठी गई छात्रों के द्वारा। आज भी आंदोलन चल रहे हैं छात्रों का। आगे बात करें तो इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने कहा है कि CBT 2 के लिए 15 गुना होंगे, फिर PET के लिए डेढ़ गुना टाइम 1.05 टाइम्स डेढ़ गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पोस्टों के हिसाब से, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिए 1/1 मतलब एक पोस्ट पर एक ही गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। क्या दोस्तों, 23 फरवरी एग्ज़ाम डेट
बहुत ही नज़दीक है, अपनी तैयारी पर लग जाइए। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको वो टाइम टू टाइम जानकारी दी जाएगी, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।